आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर आपने पहली बार क्रेडिट कार्ड लिया है उसको अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट को पूरी तरह यूज नहीं लेना है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट है 1,00,000 रुपये, तो उसमें से आपको केवल 30,000 या 40,000 रुपये तक ही स्पेंड करना है, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट को यूज करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। सिविल स्कोर अगर डाउन जाएगा तो आपको न्यू क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और ना ही आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई ऑफर आएगा, ना तो क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का ऑफर आएगा, ना ही कार्ड अपग्रेड का ऑफर आएगा या फिर कोई इंस्टा लोन, जंबो लोन, किसी भी तरीके का ऑफर आपको नहीं आएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड की ज़्यादा लिमिट को यूटिलाइज करेंगे। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पूरा पेमेंट करना है, आपको पार्टली पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि आपका जो बिल बना है वो 30,000 रुपये बना है और मिनिमम अमाउंट जो उसका था 1,500 रुपये, तो आपने 1,500 रुपये पे कर दिए तो भी आपका सिविल स्कोर तो डाउन जाएगा ही जाएगा। इसी के साथ आपको लेट पेमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितने दिन का आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया है। और साथ ही आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि अपना जो बिल है 30,000 रुपये का पूरा का पूरा पे करना है, आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना है क्योंकि चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और आपका सिविल स्कोर भी डाउन जा रहा है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि हमेशा आपको फुल पेमेंट करना है, मिनिमम अमाउंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो हमेशा ऑफ रखना है। अगर आप बाय द वे आप कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते भी हैं तो उसे ऑन करें, ट्रांजैक्शन करने के बाद वापस से ऑफ कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है विदाउट OTP हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी को शेयर कर देते हैं या फिर वो किसी तरीके से किसी और पर्सन के पास पहुंच जाती है, अगर वो आपके क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिना OTP इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं तो। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अपना बिल टाइम से पेमेंट करना है। अगर आपका बिल 6 तारीख को है तो आपको लगभग 4 तारीख के पास ही आपको अपना बिल पे कर देना चाहिए, क्योंकि 2 दिन आपको ऑनलाइन सेटल होने में भी लग जाता है, कई बार वो फेल्ड हो जाता है, उस केस में भी आपका बिल टाइम से जमा नहीं हो पाता है तो आपको लेट पेमेंट चार्ज लग जाता है, साथ में इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो हमेशा अपना जो बिल है वो टाइम से पेमेंट करें। तो आपको इन 4 बातों को बहुत ही सीरियस लेकर अपने क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करना चाहिए। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।